जोजो किड्स। कौवा और उल्लू दोनों दोस्त एक ही जंगल में बरसों से रहते थे। दोनों पक्के दोस्त थे। एक दिन कौवे ने अपने दोस्त उल्लू से कहा, अरे दोस्त, हम इतने सालों से इसी जंगल में एक ही पेड़ पर रहते हैं, कुछ बदलाव के लिए क्यों ना नए जंगल में जाकर रहा जाए, तुम्हारा क्या ख्याल है? अरे नहीं नहीं दोस्त, नए जंगल में नए नए जानवर होंगे, नई तरह के पेड़ होंगे, यहाँ का हमें सब पता है, हमें नए जंगल में नहीं जाना चाहिए। अरे दोस्त, इतने साल हो गए, वही जानवर, वही मौसम, वही पेड़, मेरा तो बहुत दिल कर रहा है किसी नए जंगल में जाकर रहूं। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते, मैं कब से तुम्हें कह रहा हूँ। अगर तुम ज्यादा ही जाना चाहते हो तो तुम चले जाओ, मगर मैं नहीं जाना चाहता, कृपया करके मुझे अकेला छोड़ दो। दोनों दोस्त एक दूसरे से नाराज हो गए, क्योंकि ना तो उल्लू कौवे के साथ जाना चाहता था और ना ही कौवा अब और ज्यादा इस जंगल में रहना चाहता था। ठीक है दोस्त, मैं जा रहा हूँ, कभी मेरी याद आए तुम मिलने आ जाना। हाँ हाँ, मगर मैं कैसे मिलने आ सकता हूँ, मुझे क्या पता तुम कौन से जंगल में रहते हो, तुम ही आ जाना जब याद आए। और इस तरह कौवा चला गया दूसरे जंगल में। उसने वहाँ पर एक नए पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया और वहाँ रहने लगा। लेकिन एक दिन उसे अपने दोस्त उल्लू की बहुत याद आई, क्योंकि वो नए जंगल में था, इसीलिए उसका कोई दोस्त भी नहीं था। अरे आज अपने दोस्त की बड़ी याद आ रही है, क्यों ना आज उससे मिलने चला जाऊं, मगर अभी तो दिन है, वो सो रहा होगा, रात में जाऊंगा तो मैं थक जाऊंगा, क्या करूं, शाम ढलने से पहले पहले चलूंगा तो शाम ढलने तक वहाँ पहुँच जाऊंगा, एक रात अपने दोस्त के साथ रुक सकता हूँ। कौवा कुछ फल लेकर अपने दोस्त के पास पहुँचा। उसने जब अपने दोस्त को देखा तो बहुत खुश हुआ। अरे दोस्त, तुम आ गए, सच में तुम्हारी बहुत याद आई। मुझे भी, इसीलिए तो मिलने चला आया, ये लो तुम्हारे लिए कुछ फल लाया हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट फल हैं। अचानक फलों से भरा थैला नीचे जमीन पर गिर गया। अरे ये क्या, मैं अभी उठा कर लाता हूँ। जैसे ही कौवा फल उठाने नीचे पहुँचा, एक शिकारी ने जोर का तीर मारा जो जाकर उल्लू को लग गया। अरे दोस्त, ये तुम्हें क्या हुआ, दोस्त दोस्त। और उल्लू को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कौवे ने अपने दोस्त को खो दिया। अरे मैं तो अपने दोस्त से मिलने आया था, मैंने समझाया भी था मेरे साथ नए जंगल में चलो, मगर ये नहीं माना, आज मैंने अपने दोस्त को खो दिया। जानवरों की प्रतियोगिता। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने एक प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला किया। प्रतियोगिता में ये बताना था कि कौन सा जानवर सबसे ज्यादा उपयोगी है। सभी जानवरों ने अपनी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सबसे पहले बंदर ने कहा, मुझे पता है मैं सबसे उपयोगी हूँ, क्योंकि मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर आसानी से जा सकता हूँ, मैं फलों को भी तोड़ सकता हूँ, मैं बड़े काम की चीज हूँ। तभी वहाँ जिराफा पहुँचा। नहीं नहीं, यह तो बड़ा खतरनाक और हानिकारक लगता है, आप किसी के लिए उपयोगी नहीं हो सकते। तभी हाथी ने बोला, मैं बहुत बड़ी मात्रा में अपनी सूंड से सबको पानी फेंक सकता हूँ। नहीं नहीं, मैं हूँ जंगल का राजा हाथी, आप कभी सबके लिए उपयोगी नहीं हो सकते, मैं जंगल की रक्षा करता हूँ, मैं ही उपयोगी हूँ। तभी लोमड़ी की बारी आई। मैं हूँ सबसे उपयोगी, मैं अपनी बुद्धिमता से सबकी मदद करती हूँ। नहीं नहीं, तुम बहुत चालाक हो, उसमें भी तुम अपना फायदा ही देखोगी, तुम उपयोगी हो ही नहीं सकती। कुछ समय के बाद जोर से बारिश होने लगी, सभी जानवर इधर उधर भागने लगे। अचानक नदी पर लकड़ी का पुल जो बना था वो भी टूट गया। अब हम नदी कैसे पार करें, अरे बड़ी तेज बारिश हो रही है, कुछ करो। तभी एक समझदार मगरमच्छ आया और सबको कहने लगा,
मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं एक एक करके सबको नदी को पार करवा पाऊंगा। जल्द ही सभी जानवर मगरमच्छ पर चढ़ गए और एक एक करके जानवरों को उस पार मगरमच्छ ने पहुंचा दिया। समय पर मदद के लिए मगरमच्छ को सभी जानवरों ने सबसे उपयोगी घोषित कर दिया। आप ही सबसे उपयोगी हो मगरमच्छ जी। हाँ आप ही हो। बिल्कुल ठीक, आप ही हो उपयोगी। और इस तरह मगरमच्छ सबसे उपयोगी जानवर सिद्ध हो गया। पढ़ाकू उल्लू। जंगल में एक मंदिर के पास एक उल्लू रहता था जिसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वो अच्छी अच्छी मंदिर से किताबें उठाता और उन्हें पढ़ता। असल में वो किताबें पढ़ता नहीं था, केवल किताबें पढ़ने का दिखावा करता था और जंगल के सभी लोगों को डराता था। मुझे बहुत ज्ञान है, मैं सब कुछ बता सकता हूँ। सच? सच? ऐसा है क्या? कोयल को छोड़कर बाकी सभी जंगल के जानवर उल्लू से बहुत घबराते थे और अपनी परेशानियां लेकर उल्लू के पास जाते थे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। उल्लू को दिन प्रतिदिन अपने ऊपर घमंड होता जा रहा था। एक दिन उल्लू मंदिर के बाहर एक पेड़ पर बैठा था। उसकी आंखें आधी बंद थी, तभी वहाँ कोयल आई। मैं इस पेड़ पर बैठ जाती हूँ, लेकिन इस पेड़ पर तो उल्लू भी है। कोई बात नहीं, बैठ ही जाती हूँ। कोयल जोर जोर से गाना गाने लगी। उल्लू को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उल्लू ने आँख खोली और कहा, ये कैसा गाना गा रही हो, अपना गाना बंद करो। उल्लू जी आप कहीं और चले जाओ, मैं तो यहीं बैठकर गाना गाऊंगी। उल्लू को बहुत गुस्सा आया। क्या तुम देखती नहीं, मैं अभी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। तुम्हारा गंदा सा गाना मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मूर्ख उल्लू, आप मुझे नहीं बना सकते। मैं जानती हूँ किताबें पढ़कर तो समझदार बनते हैं, मगर तुम बहुत घमंडी हो। उल्लू को और गुस्सा आया। तुमने मुझे मूर्ख कहा? तुम नहीं जानती मैं पक्षियों में सबसे बुद्धिमान हूँ, और तुम मेरे साथ बहस कर रही हो। तुमने मेरे गाने का मजाक उड़ाया, केवल बुद्धिमान ही जानता है कितना मधुर गाना गाती हूँ। सिर्फ बुद्धिमान होने का नाटक करते हो, तुम बुद्धिमान हो नहीं। उल्लू को इतना गुस्सा आया कि उसने कोयल पर झपट्टा मारा, लेकिन कोयल बहुत समझदार थी। वह खुद पर मार खाने से पहले ही उड़ गई। अच्छे व्यवहार का पता किताबों से नहीं बल्कि हमारे व्यवहार से चलता है। कछुआ और बंदर। एक दिन कछुआ अपनी दोस्त गिलहरी से मिलने पहुंचा। कैसी हो गिलहरी? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए तुमसे कुछ मूंगफलियाँ लेने आया हूँ, आज उनका मूंगफली खाने का बहुत मन है। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरे पास कुछ मूंगफलियाँ हैं, आप ले जाइए। गिलहरी ने अपने दोस्त कछुए को ढेर सारी मूंगफलियाँ एक थैले में डालकर दे दी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मूंगफली का थैला लेकर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में कछुए को जोर की प्यास लगी। उसने थैला एक पेड़ के नीचे रखा और तालाब से पानी पीने लगा। तभी उसी पेड़ पर बैठे एक बंदर की नजर मूंगफली से भरे थैले पर गई। अरे वाह, क्या किस्मत है मेरे पास, खाने के लिए बहुत सारी मूंगफलियाँ। ये थैला उठा लेता हूँ, बड़ा मजा आएगा। और पेड़ पर तेजी से चढ़ने लगा। मजे से एक एक मूंगफली निकाल कर बंदर खाने लगा। कछुए ने पानी पिया और वापस आ गया, लेकिन उसे अपनी मूंगफलियों से भरा थैला नहीं मिला। अरे मेरा थैला कहाँ गया? ओहो ये क्या हो गया, मेरी दोस्त ने इतने प्यार से मुझे मूंगफली दी थी, अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा। तभी उसकी नजर एक आवाज पर पड़ी। तब उसने देखा कि पेड़ पर बैठा बंदर मजे से उसके थैले से मूंगफलियाँ निकाल कर खा रहा था। मुझे मेरी मूंगफलियाँ दे दो, ये मेरी है, ये मेरा थैला है,
मेरी दोस्त ने मुझे दिया है। नहीं नहीं, मेरा थैला है, ये तो मुझे मिला है, पेड़ के नीचे पड़ा था। मैं कैसे कह दूं ये तुम्हारा है? कछुए ने बहुत जोर लगाया, मगर बंदर उसकी बात मानने को राजी नहीं था और लगातार थैले से निकालकर मूंगफलियां मजे से खाए जा रहा था। थोड़ी देर बाद बंदर नीचे की डाल पर आ गया और कछुए को चिढ़ाने लगा। हिम्मत है तो पकड़ लो, लो अपना थैला, लो लो लो। ये लो, अरे लो ना। इस मस्ती के दौरान कछुए को बहुत गुस्सा आया। अचानक बंदर की पूंछ को देखकर कछुए को एक उपाय सूझा। इसे मजा चखाता हूँ, मेरी मूंगफलियाँ खा गया। तभी अचानक कछुए ने अपने मुंह में बंदर की पूंछ को फंसा लिया। अरे अरे, कितना दर्द हो रहा है, ये मेरी पूंछ छोड़ो, छोड़ो मेरी पूंछ, तुम्हारे इतने हिम्मत, अरे छोड़ो। तभी बंदर ने मूंगफली से भरा थैला नीचे फेंक दिया और कछुए ने अपने मुंह से पूंछ को निकाल दिया और अपना थैला उठाकर कहने लगा, आज के बाद कभी ऐसा किसी के साथ मत करना, समझे? और अपनी समझदारी से कछुए ने अपनी मूंगफलियों को वापस हासिल कर लिया। हमें कभी दूसरों की चीजों पर अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए। प्लीज सब्सक्राइब।